यूपी के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर के पुराने गर्भगृह स्थल में निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी बीच समतलीकरण का कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है। अब तक खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष सहित अलग अलग कलाकृतियां, आमलक और कई प्रकार के पत्थर मिले हैं। इनमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और शिवलिंग भी शामिल है। ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक अयोध्या में भावी मंदिर के निर्माण के लिए भूमि के समतलीकरण और पुराने गैंगवे को हटाने का काम बराबर चल रहा है, जिसमें कोरोना महामारी के संबंध में जारी निर्देशों का पालन भी समय समय पर कराया जा रहा है। इसके लिए 3 जेसीबी, 1 क्रेन, 2 ट्रैक्टर और कई मजदूर लगे हुए हैं। जेसीबी के जरिए गर्भगृह के चारों तरफ के मलबे को हटाया जा रहा है। महासचिव के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से काम को अंजाम दिया जाएगा। ट्रस्ट की अगली बैठक और भूमि पूजन के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के साथ खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।